आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो है अबाउट फुल बॉडी वर्कआउट, जो कि हम कर सकते हैं अपने घर पे बिना जिम जाए। और ये जो वर्कआउट है इसमें किसी चीज़ की मतलब किसी टाइप की डंबल की या किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम करेंगे अपने बॉडी वेट से। तो इस वर्कआउट को करने के लिए एटलीस्ट आई बिलीव 5 से 7 मिनट लगेंगे, एंड जो ये वर्कआउट है 5-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये वर्कआउट जो रहेगा वो आपको बिना जिम जाए आपको हेल्प करेगा फिट रहने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको फिट रहने में हेल्प कर रहा है आपकी, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड इसका चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट स्टार्ट। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। तो एक्सरसाइज से पहले हम करेंगे 1 से 1.5 मिनट का वार्म अप। आप चाहें तो 45 to 60 सेकेंड्स का भी वार्म अप कर सकते हैं। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सरसाइज से पहले करने के लिए। उसके पीछे रीज़न है कि ये मसल में आपके ब्लड फ्लो बढ़ाता है एंड इससे आप इंजरी से ही बचते हैं। तो पहले तो हम जो वार्म अप है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। वार्म अप करने के बाद ही हम है ना अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एफर्ट और लगाएंगे और अपना वार्म अप कंप्लीट करेंगे, एंड थकना नहीं है बिकॉज थकना बिल्कुल मना है। वार्म अप कंप्लीट करने के बाद हम अब मूव ऑन करेंगे अपनी एक्सरसाइज के लिए। वार्म अप हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेने से फ़ायदा ये रहेगा कि जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमको हेल्प मिलेगी थोड़ा एनर्जेटिक रहने में। पहली एक्सरसाइज जो करेंगे वो करेंगे हम पुशअप्स। पुशअप्स हमारे चेस्ट, बैक और हमारे शोल्डर तीनों पे फोकस करता है, मतलब तीनों पार्ट्स के लिए बेनिफिशियल रहता है। प्लस अब जो मैंने ऊपर वीडियो लगाई है वो बिगनर्स के लिए है। जो हमारे बिगनर्स हैं जो पुशअप सही से नहीं कर पाते हैं वो उस वीडियो को देख के कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको अपने पैर फोल्ड करने के साथ आपको पुशअप्स करना है। पुशअप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम थोड़ा सा पानी पियेंगे ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ताकि हम थका हुआ फील ना करें। अब हम करेंगे रिवर्स स्नो एंजल, जो हमारी बैक को फोकस करेगी और हमारी बैक के लिए अच्छी है। बट अगर आप बिगनर हैं और अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं बैक एक्सटेंशन। मैंने ऊपर वीडियो लगाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि बैक एक्सटेंशन आपको कैसे करनी है। सीधे आपको हाथ लेके जाने नीचे और ऊपर लेके आने, जिससे आपकी बैक पे फोकस आए। बैक की एक्सरसाइज खत्म करने के बाद अब हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन दी एक्सरसाइज, क्योंकि ये हमको एनर्जेटिक रखता है, थोड़ा सा हमारे बॉडी को स्ट्रेच होने में हेल्प करता है। अब हम करेंगे डायमंड पुशअप्स। ये हमारे ट्राइसेप के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये पूरा फोकस हमारे ट्राइसेप पे देती है। प्लस अगर आप बिगनर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पैरों को जो है वो फोल्ड करके और फिर ये कर सकते हैं, जैसे कि मैंने उस वीडियो में दिखाया है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पैरों को फोल्ड किया, चेस्ट को अप किया, एंड देन ये मेरे लिए ईजी रहा करने के लिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए हम 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। आप चाहें तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। अब हम करेंगे बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसमें इन स्क्वाट्स में हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल नीचे तक जाना है, डीप डाउन जाना है, हाफ में नहीं रुकना है। अगर आप हाफ करते हैं और तो उसमें ये रहेगा कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको पूरा नीचे जाना है और पूरा नीचे जाके पूरा ऊपर आना है। स्क्वाट्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी लोअर बॉडी के लिए।
लेंगे और अपने आप को रेडी करेंगे काफ रेजेस के लिए। अब जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे काफ रेजेस। ये हमारी एक्सरसाइज अच्छी है हमारे काफ को ग्रो करने के लिए। इसमें हम अपने पंजों पे खड़े होंगे, स्लोली नीचे जाएंगे, मतलब जो भी एक्सरसाइज करेंगे हम उसमें 1 सेकंड का होल्ड करेंगे। प्लस जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो मैक्सिमम 30 to 45 seconds करेंगे। रेस्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सेकंड्स के लिए उसको करना चाहते हैं। आप चाहें तो उसको रेपिटेशन में भी कर सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज जिसका नाम है काफ रेज वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट एंड अपने आप को प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो कि है क्रंचेस। अब हम करेंगे क्रंचेस, वो करेंगे हम 30 सेकंड्स के लिए। एंड ये हमारे जो एप्स है उनको डिफाइन करने में हेल्प करेगा, मीन्स हमारे एप्स को लाने में, हमारे स्टमक को कम करने में हमारी हेल्प करेगा, स्टमक फैट को हटाने में। हमारे क्रंचेस अब कंप्लीट होने वाले हैं एंड अब हम रेस्ट लेंगे 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। उसके बाद हम करेंगे बर्क पी, जो कि हम करेंगे वही 30 सेकंड्स के लिए सेम। आप चाहें तो अपने इसमें थोड़ा बहुत कुछ इंक्रीज भी कर सकते हैं, अपने सेकंड्स इंक्रीज कर सकते हैं, आप इसको 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आती है हमारी कार्डियो में जो हेल्प करती है हमारे ओवरऑल बॉडी फैट को बर्न करने के लिए। आपको थकना नहीं है और पूरे जोश के साथ ये वर्कआउट आपको कंप्लीट करना है। वर्क भी कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे ताकि हम एनर्जेटिक फील करते रहें एंड हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है पीना। तो फाइनली अब हम अपने आज की लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, वो है प्लैंक। ये भी हम करेंगे 30 to 45 seconds एंड इसको ख़त्म करने के साथ साथ हमारा फुल बॉडी वर्कआउट आज के लिए कंप्लीट हो जाएगा। इस फुल बॉडी वर्कआउट से आप एटलीस्ट 100 to 150 calories अपनी बर्न करेंगे, वो भी विद इन 7 to 8 minutes, मैक्सिमम 10 minutes में। रेस्ट लेंगे तो मैक्सिमम 10 minutes में आप 100 to 150 calories अपनी बर्न करेंगे। तो है आज का जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसमें इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी कुछ एक्सरसाइज बताई हैं जो कि आप है ना ऑन डेली बेसिस फॉलो कर सकते हैं। और 15 to 20 minutes का ये पूरा वर्कआउट है, आप इसको एज इट इज़ फॉलो कर लें। थोड़ा बहुत अपने आप से चेंज कर सकते हैं, तो टाइमिंग में, रेप्स में, सेट्स में आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।